तिल के बारे में पढ़ना एक ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये सामुद्रिक शास्त्र के अंदर आता है और यह बताता है कि तिल के होने से क्या प्रभाव होता है, हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भी बहुत कुछ। कई ऐसे बॉडी मार्क होते हैं जो हमारे व्यवहार और भाग्य को बताते हैं। तिल अलग अलग कलर और शेप के होते हैं। तिलों के ज्योतिष के बारे में पढ़ना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव के बारे में जानना इसके अंदर आता है। कैसे ये हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं और इनसे नक्षत्रों पर क्या असर होता है, ये हम इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। छोटा तिल कम प्रभाव डालता है और गोल और बड़ा तिल ज़्यादा प्रभाव डालता है। तिल अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे त्रिभुजाकार, वृत्ताकार यानी गोल, आड़ी तिरछी बिगड़ा हुआ आकार और चौथा है वर्गाकार। त्रिभुजाकार तिल अच्छा बुरा दोनों प्रभाव डालता है। आड़ा तिरछा तिल बुरा असर डालता है, गोल तिल अच्छा प्रभाव डालता है, वर्गाकार तिल इसका प्रभाव समय आने पर ही पता चलता है, पर यह हमें बुरे प्रभाव से बचाता है। तिल अलग अलग कलर के होते हैं, लाल रंग, भूरा रंग, हल्का भूरा और डार्क हरा होता है और ये लकी भी माने जाते हैं। ब्लैक कलर तिल अच्छे नहीं माने जाते। आइए अब हम जानते हैं कि तिल किस स्थान पर होने से क्या प्रभाव होता है। ललाट पर तिल होना। अगर तिल ललाट के बीच में है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति समझदार और शांत होगा, वह काफ़ी बुद्धिमान भी होगा। ललाहट के दाई तरफ तिल हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति धनवान होगा। अगर ललाहट के बाई तरफ तिल है तो इसका अर्थ यह है कि कुछ अशुभ हो सकता है, जैसे किसी चीज़ में नुकसान होना, और यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति खुदगर्ज होगा। ललाहट के साइड में कान के आगे तिल होना शुभ होता है, इसका अर्थ यह भी है कि क्षणिक लाभ होगा और अच्छा जीवन साथी मिलेगा और शादी जल्द होने की संभावना भी है। अगर तिल आँख की भौहों के ऊपर है, बीच में है, तो व्यक्ति में प्रभावशाली लीडर के गुण होते हैं। उस व्यक्ति का यश सब जगह होता है और वह धनवान भी होता है। अगर तिल भौहों के बाई तरफ है तो व्यक्ति डरपोक हो सकता है और व्यापार में कुछ समस्याएं आने जैसे की आशंका होती है। अगर भौहों के दाई तरफ तिल है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति खुश मिजाज, शादीशुदा जिंदगी में अच्छा और हेल्दी बच्चे वाला होगा। तिल अगर आँखों के दाई तरफ है तो व्यक्ति मेहनती और भरोसेमंद होगा। अगर तिल बाई तरफ है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा व्यवहार का व्यक्ति होगा। आइए बात करते हैं तिल अगर नाक पर हो तो। तिल अगर नाक पर है, आगे की छोर पर है, तो व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर आने में काफ़ी समय लगाता है। अगर तिल नाक के दाहिनी तरफ है तो व्यक्ति धनवान होगा, और तिल अगर बाईं तरफ है तो धन कमाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। अगर तिल नाक के नीचे की तरफ है तो व्यक्ति प्रभावशाली होगा। आइए बात करते हैं अब गाल की। अगर तिल गालों के लेफ्ट साइड में है तो व्यक्ति गुस्सा ज़्यादा करता है और खर्चीले स्वभाव का है। अगर तिल गालों के राइट साइड में है तो व्यक्ति प्रभावशाली, धनवान, समझदार और बुद्धिमान होगा। अगर तिल कान पर है तो उससे क्या प्रभाव होगा, आइए देखते हैं। अगर तिल कान पर है तो व्यक्ति धनवान होगा। तिल अगर होठों पर नीचे है तो व्यक्ति व्यवहार में अच्छा होगा और सभ्य होगा, और
दूसरे कामों में भी अच्छा होगा। आइए बात करते हैं अब जीभ की। अगर तिल जीभ पर है तो क्या प्रभाव डालता है? अगर तिल जीभ पर है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को शारीरिक दुख या बोलने में तकलीफ हो सकती है। अगर तिल जीभ के आगे की छोर पर है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समझदारी से काम करता है। आइए बात करते हैं तिल अगर ठोड़ी पर हो तो क्या असर होता है। तिल अगर ठोड़ी पर है तो अच्छा प्रभाव होता है। व्यक्ति को घूमना ज़्यादा पसंद होता है। अगर तिल ठोड़ी के दाईं तरफ है तो व्यक्ति तर्क में ज़्यादा अच्छा होता है। अगर तिल हमारा ठोड़ी के लेफ्ट साइड में है तो यह दर्शाता है कि हम काफ़ी विश्वास पात्र हैं। अगर तिल हमारे गर्दन पर है तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर तिल हमारे गर्दन की आगे की साइड में है तो यह दर्शाता है कि हम लकी इंसान हैं और हमारी आवाज़ भी काफ़ी मधुर होगी और हमारा व्यवहार भी काफ़ी शांत और अच्छा होगा। तो ये थे कुछ रहस्य तिल से जुड़े जो आपकी ज़िंदगी पर कुछ असर डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक भी शेयर करें।